नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए जुड़ जाते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी गोविंदा कॉम्प्लेक्स में हुई मारामारी, एक की अस्पताल ले जाने से पहले ही हुई मौत। धर्मपुर जामलिया में 65 साल के चरवाहे पर मादा तेंदुए ने किया हमला। वलसाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र पानी के लिए भुगत रहे हैं काफी परेशानियां। वापी में मानव सशक्तिकरण विषय पर हुआ था सेमिनार। अब समाचार विस्तार से। वापी के गोविंदा कॉम्प्लेक्स में हुई मारपिटाई में एक की उपचार के लिए ले जाया जाए उससे पहले हुई मौत। वापी के पास आई गोविंदा कॉम्प्लेक्स के पास पुरानी रंजीस को लेके कोलीबार में रहते दो शख्सों के बीच हुई मारपीट में मुकुल नाम के युवक ने दुर्गेश कश्यप नाम के युवक को गले के भाग में चाकू मारते गंभीर तरीके से घायल हुआ था। घटना में घायल दुर्गेश को उपचार के लिए वापी के हरिया अस्पताल में ले जाया गया था, जो कि उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। समग्र घटना को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। धर्मपुर के जामलिया के पहाड़ पर पशुओं को लेके गए बुजुर्ग पर दो बच्चों के साथ आ पहुंची मादा तेंदुए ने किया था हमला। धर्मपुर के जामलिया गांव के बुंडार पाड़ा फली में रहते देवराम भाई रायजी भाई परवार उम्र वर्ष 65 साल शुक्रवार दोपहर को पुत्र रमेश के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए गांव के पहाड़ पर गए थे। थोड़े दूर पे पशुओं के साथ पुत्र रमेश देखभाल कर रहे थे। उस दौरान दो बच्चों के साथ आ पहुंची मादा तेंदुए को देख देवराम भाई ने भगाने का प्रयास किया था, पर मादा तेंदुए ने हमला करते पिता देवराम भाई ने भी जवाब दिया था। दोनों के बीच 15 मिनट तक चली जंग के दौरान पिता देवराम भाई की आवाज सुनाई देती पुत्र रमेश ने दो बच्चे और पिता देवराम भाई के साथ चल रही इस जंग को देख हिम्मत दिखाकर पिता को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे और मादा तेंदुए को भगा दिया था। पिता देवराम भाई को घायल किया गया हो 108 एम्बुलेंस के जरिए तुरंत ही धर्मपुर की स्टेट अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। घटना के बारे में वन विभाग को जानकारी पुत्र रमेश ने दी थी। वलसाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र पानी के लिए भुगत रहे हैं काफी परेशानी। वलसाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदाजित 1000 से ज्यादा छात्र हॉस्टल में इस्तेमाल में लेते पानी के लिए पिछले 3 सालों से परेशानियां भुगत रहे हैं, जिसको लेके मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इकट्ठा होकर शुक्रवार के रोज मेडिकल कॉलेज के डीन को शिकायत की थी। साथ ही आंदोलन की आवाज़ भी उठाई थी। छात्रों ने बताया कि पिछले 4 सालों से पानी की काफ़ी परेशानियां भुगत रहे हैं। समय समय पे जिम्मेदार अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत भी की गई थी, जिसको लेके शुरुआत के दौर में मात्र 1 घंटे तक ही पानी दिया जाता है, पर इतने कम समय में अब 1000 से ज़्यादा छात्रों को तैयार होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पानी नहीं मिलता है, तो अब इस समस्या पर कदम उठाया जाए ऐसी आवाज़ छात्रों में उठ रही है। पानी नी छेल्ला 4 वर्ष थी बहुत तकलीफ है। अमे जे वर्ष थी अहीं एडमिशन लीधु एना पछी दर वर्ष थी आ तकलीफ है कि एप्रिल चालू थाय एटले एप्रिल में जून 3-4 महीना तो पानी बहुत एम के आवतु ज नथी एम, अने सवारनो टाइम खाली अर्धो कलाक कलाकनो ने सांजनो आपी दे छे, बे टाइम खाली आवे। आखो दिवस हवे जोतुं होय गर्ल्स पीरियड्स में होय कहीं भी गमे त्यारे पानी जोतुं इमरजन्सी में, तो पछी क्यां त्यारे लेवा जाय। અને ગમે તે કરીને રેસિડન્સીમાં અમે પાણી નથી આવતું, એ લોકો હંમેશા એમ જ કે બસ નીચે પાણી નથી, જમીનમાં પાણી નથી, અને મશીન મુકાવે છે, ટેન્કર આવે છે, આ છે તે છે, પણ પાણી કોઈ દિવસ આવતું જ નથી, અને આ પાણી નહીં વાપરવાનું નહીં, પીવાના પાણીમાં બી પ્રોબ્લેમ છે, કૂલરોમાં પ્રોબ્લેમ છે, પાણી આવે નહીં એ ટાઈમ પર, સેજ પણ પીવાનું પાણી પણ હોતું નથી, અને જૂન મહિનામાં અમારી એક્ઝામ આવે બધાની, ત્યારે પણ પ્રોબ્લેમ બહુ થાય છે કે એક્ઝામ એક બાજુ એક્ઝામ હોય એક બાજુ પાણી ના હોય તો માણસ કેવી રીતે, બ્રશ પણ અહીંયા કોલેજમાં કરી કરીને લોકો એક્ઝામ આપવા જતા હોય છે કે વોશરૂમ બી કોલેજનું યુઝ કરીને જઈએ એવી રીતે લોકો એક્ઝામ આપી છે, આવે જ નહીં આખું। આ પ્રોટેસ્ટ કરવાનો મેઇન હેતુ અમારો જે છે અમારા કોલેજમાં કે હોસ્ટેલમાં જે પાણીનો મેઇન પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરવા માટે છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી અમારે અહીં પાણીનો પ્રોબ્લેમ રહે છે, અને અત્યારે તો હજુ તો ઉનાળાની શરૂઆત છે, ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ આ બધું થશે તો હજુ 3-4 મહિના પછી શું એનું આ શું જેનું આન્સર કે શું આવશે એ હજુ કંઈ ખબર નથી, એટલે હજુ તો ઉનાળાની શરૂઆત છે। અને એ સિવાય બી અમે મૌખિક એકવાર રજૂઆત અમે લોકોએ કરેલી છે
અને એ અમારા બધાની એક્ઝામ ને એ બધું બી આવે છે, તો પાણીનો પ્રોબ્લેમ રહેશે તો પછી આગળ ઘણી બધી તકલીફો થવાની છે. અને મૌખિક રજૂઆત થઈ રહી છે, બધાની એક્ઝામ ને બધું આવે, તો એના માટે જલ્દીથી જલ્દી આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવે તો એવી અમારી અરજી છે. અને એ પાણીનો પ્રોબ્લેમ જલ્દીથી જલ્દી સોલ્વ થાય તો બધા સ્ટુડન્ટને બધાને રેગ્યુલર જે કોલેજ ને બધું અટેન્ડ કરવાનું છે એ બધું બી થઈ શકે. વલસાડ સિવિલ અસ્પતાલ કે પાસ ખુલ્લે મેદાનમાં લગી હતી ભીષણ આગ. શુક્રવાર કો અંદાજિત 4 બજે કે આસપાસ વલસાડ કી સિવિલ અસ્પતાલ કે પાસ આઈ જયરામ પાર્ક કે પાસ ખુલ્લે પ્લોટ મેં સૂકે ઘાસ મેં આગ લગ ગઈ હતી. દેખતે હી દેખતે આગને ભયંકર સ્વરૂપ લે લિયા થા. આગ કો બુઝાને કે લિયે ફાયર બ્રિગેડ કો જાણકારી દી ગઈ હતી. તુરંત હી ફાયર બ્રિગેડ કી ટીમ ઘટનાસ્થળ પર કર્મચારીઓ કે સાથ પહોંચ ગઈ હતી ઓર આગ કો કાબૂ મેં પા લિયા ગયા થા. ઘટના મેં કોઈ જાનહાનિ નહીં હુઈ થી. समाचारों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. सपना होता है एक अपना घर, घर जहां वो सुकून से रह सके. पर अनुचित ड्राइंग के कारण, ठेकेदारों की गलती के कारण या फिर गलत अनुमान से बजट बढ़ जाने के कारण उसे वो नहीं मिल पाता जो वो सोचता है. अपना कीमती समय और रुपया खर्च करने के बाद आखिर उसे मिलती है हताशा. क्या आप परेशान हैं? फिक्र मत कीजिए, हम आपके समस्या का लाए हैं समाधान. जेके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्ड योर ड्रीम. हम आपको देते हैं आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, 3D एनिमेशन, इंटीरियर सर्विसेज, वो भी आपके बजट में. हम आपके आवश्यकता के हिसाब से करके देते हैं आपके घर का मेकओवर. हमारे डिजाइनर देते हैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वो भी डोर टू डोर सर्विस के साथ. अब आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको देते हैं आपके समस्याओं का हल आपके बजट में.
ताकि आप अपना कीमती समय अपने परिवार को दे सके और सुकून से सो सके। वैल्यू एडेड सर्विसेज में हम लाए हैं आपके लिए 3D विजुअलाइजेशन। टेक्नोलॉजी में आप अपना घर देख सकते हैं बनने से पहले, चाहे एक कमरा हो या पूरा घर, हम आपको करके देते हैं आपके बजट में, वो भी स्मार्ट होम के साथ। पहली बार दमन वापिस सिलवासा में, तो आज ही संपर्क करें 9723040789 पे। के बाद आपका स्वागत है। नानी दमन कॉलेज ग्राउंड भरत गैस के ग्राउंड के पास हुआ सड़क हादसा, 3 लोग हुए थे घायल। शुक्रवार को दमन कॉलेज रोड पर एक कार ने 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया था। यह दुर्घटना कॉलेज रोड पर स्थित भारत गैस एजेंसी के गोडाउन के पास हुई थी। दुर्घटना करने वाली मारुति जैन का नंबर DD03-1470 है। इस दुर्घटना में रोड के कोने में मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले व्यक्ति का पांव टूट गया था। दुर्घटना में घायल अन्य एक व्यक्ति जो ब्लैक एक्टिवा चला रहा था, उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज हेतु वापी की हरिया अस्पताल में भर्ती करवाने भेजा गया था। बाकी के 2 घायलों को दमन के मरवड़ सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया था। हालांकि कार में सवार 2 व्यक्ति दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने में सफल रहे थे। ये दुर्घटना शुक्रवार के रोज दोपहर 3 बजे के आसपास हुई थी। वापी में रेलवे अंडर ब्रिज से रिंग रोड की नामदार रफेल कॉलेज तक की कामगिरी शुरू की गई। वापी जे टाइप पर बने नए रेलवे अंडर ब्रिज से नामदार रफेल कॉलेज तक फॉल लेन वाले रिंग रोड बनाने की कामगिरी शुरू की गई है। अंदाजित 6 करोड़ की लागत से मार्ग बनाया जाएगा। वापी में बड़े से बड़ी समस्या ट्रैफिक की होती है। हर कोई ट्रैफिक से परेशान हो रहा है। इस समस्या का हल निकालने के लिए वापी नगर पालिका द्वारा रिंग रोड बनाया जा रहा है। ये मार्ग बने ट्रैफिक समस्या हल होगी, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही ट्रैफिक का भार नए रेलवे अंडर ब्रिज पर बढ़ जाएगा, ऐसी लोग आवाज भी उठ रही है। ये मार्ग स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अंतर्गत 2017-18 योजना में से बनाया जा रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जय भारत रोड लाइन्स को दिया गया है। वापी नगर पालिका की टीम द्वारा समय समय पे निरीक्षण भी किया जा रहा है। वापी में मानव सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मानव सशक्तिकरण इस विषय के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन प्रवीणा शाह के नेतृत्व में वापी में लायंस क्लब ऑफ वापी उद्योगनगर और सेहत फिलोसॉफी इंटरनेशनल के संयुक्त उपक्रम में सेमिनार का सफल आयोजन किया गया था। सेहत फिलोसॉफी एक प्राचीन हेलिंग तकनीक है। इस तकनीक द्वारा अपने भीतर की सुसुप्त शक्तियों को जागृत करके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्तर पर कैसे उनका उपयोग किया जाता है और उनके द्वारा क्या फायदे होते हैं, इसका विस्तृत ज्ञान सेहत फिलोसॉफी इंटरनेशनल की भारत की ट्रेनर एवं डायरेक्टर दर्शिता शाह ने अपने अनोखे अंदाज में दिया। इस अवसर पर मुंबई की ट्रेनर निधि मेवाड़ा ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए। इस अद्भुत एवं अत्यंत असरकारक हीलिंग तकनीक का भारत में परिचय अमेरिका से आए मिस्टर बिल ओर्टेगा द्वारा करवाया गया था। इस विषय पर सेमिनार का आयोजन केवल वापी में ही नहीं परंतु पूरे भारत में पहली बार किया गया है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। विविध समस्याओं में समाधान प्राप्त कर चुके व्यक्तियों ने अपने सुखद अनुभवों का वर्णन भी किया था। इस अवसर पर मुंबई, सूरत, बिलीमोरा, आंतलिया, नवसारी, वलसाड़, उदवाड़ा, पाड़ी, पिलाड़, सिलवासा, दमन और वापी के 300 से भी ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया था। समग्र कार्यक्रम का सुंदर संचालन पूजा भट्ट द्वारा किया गया था। समाचारों के अंत में आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी गोविंदा कॉम्प्लेक्स में हुई मारामारी, एक की अस्पताल ले जाने से पहले ही हुई मौत।
धर्मपुर जामलिया में 65 साल के चरवाहे पर मादा तेंदुए ने किया हमला। वलसाड मेडिकल कॉलेज के छात्र पानी के लिए भुगत रहे हैं काफी परेशानियां। वापी में मानव सशक्तिकरण विषय पर हुआ था सेमिनार। तो ये जब तक के धर्म न्यूज के समाचार, नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।